करी है ना? केमिस्ट्री करी है। मैम कुछ का 6:30 बजे So sad. तो मैम उनका स्कूल 2 से 6:30 देखो, जब तुम्हारे स्कूल फ्रॉम होम चल रहा था तब भी तुम्हें कंप्लेन थी, मैम सारा डेटा खत्म हो जाता है, सारा दिन हम फोन ही देखते रहते हैं, हम थक जाते हैं, है ना। और अब स्कूल जाने लग गए हो फिर भी कंप्लेन है, मैम हम थक गए स्कूल अटेंड करके। कहीं से भी खुश नहीं हो तुम? मैम मेजर इसमें कॉमन पॉइंट है पढ़ाई। देख रही हूं मैं। मैम एक हफ्ते के बाद स्कूल वाले आज कॉपी मांग रहे हैं और ऑनलाइन में कुछ समझ में आया नहीं। अच्छा, यहाँ पे ऑनलाइन में समझ आ जाता है? मैम बोलो। ने रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। मैम मतलब कंपैरेटिवली बेटर है। चलो, कल जो पढ़ाया था पढ़ा कुछ कुछ के नहीं पढ़ा? पढ़ा हम था, पढ़ा था। यस मैम। पढ़ा था। मैम आज ऑलरेडी पूछ लो होमवर्क की। मैम आज पूछ लो होमवर्क की, आज करके आया हूँ पहली बार। आज ओहो। चलो प्रसाद पार्टी करें फिर इसी बात पे कि भाई होमवर्क कर। बाकी लोग कौन कौन करके आया होमवर्क? हैंड रेस करो। मैम आपको भेजा था। गुड ओके, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। दोनों मैम ओके, वैभव आप इस क्लास में नए हो या पहले भी आते हो? बोलो। ने एब्सेंट थे? कितने गुड दिन इवनिंग से मैम। एब्सेंट थे? गुड इवनिंग। लास्ट कब अटेंड करी थी वैभव आपने क्लास? अच्छा, तो आपका कहाँ तक कवर हो गया है सिलेबस? हैंड पुट योर हैंड डाउन हो गया जो हैंड रेस किया हुआ था। तो आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो वैभव। ट्रिगो कंप्लीट है? लास्ट हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था ट्रिगो में? अच्छा, आपकी तरफ से। चलो ओके, तो जल्दी से बताओ कल वाला कौन कौन पढ़ के आया। अब हैंड रेस करो। अब देखती हूँ मैं कौन होमवर्क करके आया है। किसको 10th वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी लगी या 12th वाली? मैम 12th वाली वाली। और मैम, कहाँ दोनों गई? कोई सी नहीं। 10th वाली ये आए, 13th वाली, 11th वाली। अच्छा चलो, तो स्टार्ट सर करें या अभी 1-2 मिनट रुक के वेट करें? तुम्हारे उनका किसका मित्र का स्टार्ट। मैम स्टार्ट? स्टार्ट कर लीजिए। अरीबा आप ही बोल रहे हो, आप ही लेट आए हो क्लास में। सॉरी मैम, नेटवर्क इशू था। बड़ा बहुत अच्छा, ऑनलाइन क्लास में एक बहाना तो अच्छा है मैम। नेटवर्क इशू यस मैम ये सही है। है ना? पहले हमारे हमें टेस्ट देते थे तो हम वो हो जाते थे कि नहीं मैम कल तो हम बीमार हो गए या कुछ भी, समथिंग समथिंग। अब मैम नेटवर्क इशू, सिंपल। मैम जब ऑनलाइन क्लास लेते थे फिजिक्स वाले सर की, तब तो सो भी जाते थे, पर आज ऐसा लग रहा था स्कूल में कि कैसे सोएं। ओ सैड, फिर तो बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, आदत डाल लो, स्कूल तो जाना ही है ना। चलो चलो, 11th वाले, 13th वाले, 10th वाले सारे इधर आ जाओ। अब हो गया, चैट बॉक्स को बंद करो, अब यहाँ ध्यान दो। चलो स्टार्ट करते हैं हम, है ना। सबको पहले तो गुड इवनिंग, ठीक है? कैसे हो आप सब? मजे में? बढ़िया। यस मैम।
यस मैम। आप कैसे? काफी दिन घर रह के कैसा लगा आपको आज स्कूल जाके? आज ही गए थे क्या या कल से, मंडे से, मतलब कब से? मैम लो, आज भी नहीं गया। वो मयंक जी आज भी नहीं गए, किस खुशी में? बुलाया नहीं स्कूल वालों ने, इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा? नहीं मैम, भाई की शादी थी। अच्छा, चलो मिठाई फिर। मैम पार्सल पार्टी कर का दिया है, वो एड्रेस नहीं पता था तो गलत पार्सल हो गया। ठीक है। आजकल वो नहीं आ रहा गांधी आपकी क्लास में, कहाँ गया वो? मैम जब से ना वो हुआ है ना स्कैमर वाला सीन, तब से ही वो नहीं आ रहा। हाँ मैम, उसके पहले से ही आ। चलो श्याम गुप्ता, आदित्य, दिव्या, अब चैट बॉक्स सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देने के लिए यूज करना है और डाउट पूछने के लिए। ठीक है, सबको क्लियर है? इन ये तीन ही नहीं, सबको ही? ठीक है, कहीं बोले भाई इन तीन को कहा था मैम ने, बाकी हम तो कर सकते, ऐसा नहीं है, सबके लिए रूल है। ठीक है, बहुत बोलते हो तुम लोग। हम चलो टाइप ज्यादा करते हैं। हाँ, टाइप ज्यादा करते हैं, राइट। टाइपिंग स्पीड अच्छी हो गई होगी तुम्हारी। हाँ मैम, बहुत तेज यस मैम, उसमें कंपटीशन करा लो, है ना? करा लो मैम। चलो तो आज हम क्या पढ़ रहे थे, कल हमने क्या किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बताओ जल्दी से। कल क्या पढ़ा था हमने? हमें पहली क्लास नहीं है मैम क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? इंट्रो ही पढ़ा था, और उसपे कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए मैम, थे, सॉल्व किए सबने? यस मैम। ठीक है, तो दिस इज द लेक्चर नंबर 2, एंड टुडे हम कौन सा टॉपिक, यहाँ पे क्या दिख रहा है? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, जाग रहे हो ना सब जो स्कूल से यस आए हैं? मैम, 6 बजे, 6:30 बजे, 2 बजे, वही सब जाग जाओ अब। ठीक है, ये सबसे इजी टॉपिक होने वाला है और इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमारे चलो। तो 10th वाले की ज़्यादा सेम है ना। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, जस्ट अ मिनट, हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है। कैसी दिखती है भाई? दिस इज द मैम सही क्वाड्रेटिक दिखती है। इक्वेशन। अगर मैं ऐसे लिख रही हूं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस और नो? हाँ मैम, बड़ी सुंदर दिखती है वैसे। यस और नो, यस वाले यस हैंड रेस मैम। करो। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैम बट कंडीशन मैम एक और उसमें आएगा कंडीशन। यस, ए नॉट इक्वल, ये जो हैंड रेस करने वाले हैं, ये एक कंडीशन तो भूल गए, दैट इज ए नॉट इक्वल टू मैम जीरो, तो बोल मैंने दिया मैंने लगाया तो। ही। हाँ, फिर हैंड रेस भी किया हुआ था क्या? नहीं नाउ मैम, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैम है ना? हैंड रेस करा था बताने को। ओके ठीक है, ये क्लियर है। दूसरा हमने पढ़ा था कि कौन कौन से मेथड थे, अभी तो हमने देखे ही हैं, है ना? को कितने टाइप के थे? 3 टाइप के, याद है कुछ? यस मैम, ठीक है, यस रूट्स मैम। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारा? मैम पहले माइनस बी प्लस माइनस रूट टू स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट माइनस 4ac बाय अपॉन टू ए। में 2a अपॉन में 2a। यस यस, एक चीज हमने करी थी, दैट इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? यस मैम, ठीक है, तो वेटेज की मैंने कल ही बताई थी। हाँ, ये जो 11th के मोस्टली चैप्टर में से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं? वन मैम क्वेश्चन, दैट इज ऑफ 4 मार्क्स, एंड कितना परसेंटेज ऑफ वेटेज रखता है ये? थ्री मैम पॉइंट मुझे थ्री 11 से परसेंट 40% होती है। यस, इट इज 60-40 रेशियो ना, तो 40% इज फ्रॉम क्लास 11th एंड 60% इज फ्रॉम क्लास 12th। और जो तुम्हारा रिलेशन फंक्शन है ना, उससे जो क्वेश्चन वैसे मैक्सिमम पुट अप होते हैं ना, वो 12th को मिला के भी हो जाते हैं कई बार, 11th बेस पे जितने भी जैसे भी बन रहे थे, मैंने कराए भी थे क्लास में, है ना? तो जैसे ट्रिगो है, ट्रिगो तुमने अभी सिंपल वाली पढ़ी है, जब आप क्लास 12th में जाओगे ना, यू विल गो थ्रू द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज डिफरेंट केस थोड़ा सा, और वहां पे तुम देखोगे कि ट्रिगो तो बहुत कम आ रही है,
इनवर्स ट्रिगो ज्यादा आ रही है विद कंबाइन की, एक टर्म दे दी इनवर्स की, एक टर्म दे दी ट्रिगो की, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी मर्ज हो जाते हैं, ठीक है? ओके मैम, चलो तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास. ओके, कल ये होमवर्क क्वेश्चन था, किस किसने किया? दिव्या ने, धनंजय, आलोक, अरिबा, श्याम, एक ने तो मुझे फोटो भी भेजी थी, किसने भेजी थी, श्याम ने? यस मैम. यस, विशाल नाम से कोई था अपनी क्लास में, बता दो जल्दी से. नहीं मैम, लगता नहीं. नो मैम. पक्का? नो मैम, नहीं है. मैम एक बार ट्राई कर लो, क्या बताओ, बहुत नए स्टूडेंट्स भी हैं. मैं करवा के पूछ लूंगा. देखते हैं. यस विशाल, गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम. ओके, तो आप क्या फर्स्ट टाइम आए हो क्लास में या इससे पहले भी ले चुके हो? पहले भी. अच्छा, कल कल वाली क्लास में क्या हुआ था, कल थे आप क्लास में? मैम कल नहीं था मैम, मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ कभी कभी, कभी भी क्लास में आता हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग. ओके, लास्ट क्लास कौन सी ली थी आपने? मैम हो गए 2-3 दिन. कौन सी थी लास्ट क्लास, कौन सा टॉपिक चल रहा था, बताओ, बोलो. मैम एक मिनट रुको, बता रहा हूँ. रिकॉर्डिंग देखिएगा क्या भाई? बाकी सब शांत रहेंगे, जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो इन द चैट बॉक्स. कौन सा टॉपिक था लास्ट विशाल? याद कर रहा है, ढूंढ रहा है. अरे ढूंढ ले यार, 2-3 दिन से क्या मैम, 2-3 साल से कोई विशाल नहीं है. तो आपकी ये बताओ केसेस किस पे बने हैं? मैम मैं तो कह रहा हूँ निकाल दो. मैम 3 केसेस बने. 3 केसेस? यस मैम, 3 केस बने. नंबर लाइन पे हम कौन कौन से पॉइंट ड्रॉ करेंगे? विशाल आप ही बताओ, नंबर लाइन पे हम कौन कौन से पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे अब बताओ. ये तो बहुत पहले करा चुकी हूँ मैं. अब आ जा रही है आपको विशाल? मैं तो कह रहा हूँ निकाल दो. मैम 8 वाला लग रहा है. चलो तो नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करेंगे -7 और -5, यही किया ना सबने? यस और नो? यस मैम. तो यहाँ से हमारे पास एक तो ये केस फर्स्ट केस या फर्स्ट रीजन बोल रहे हम इसको, दिस इज आवर सेकंड केस या सेकंड रीजन, दिस इज आवर थर्ड केस या थर्ड रीजन, है ना? तो केस नंबर 1 पे चलते हैं सबसे पहले, दैट इज एक्स इज लेस देन -7, ठीक है? तो इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी जल्दी से बता दो. फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव ना, बोलो. यस मैम, नेगेटिव आएगा. मैम एक्स स्क्वायर प्लस में 3. ये ठीक है? यस मैम. मैम एक बार ये कंफर्म कर दो, ये लेस देन इक्वल टू तो नहीं होता ना? ये वाले पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, वो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू में कर दूंगी ना सीधा, ठीक है? क्योंकि इक्वल टू 0 है ना, ठीक है? उसकी टेंशन मत लो, उस पे तो ऑब्वियस है ना. चलो मैं बताती हूँ वो वाला. तो
यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 यही आई सबकी इक्वेशन, यस जल्दी से मैम, बता दो। यस मैम, यस मैम, सो व्हाट आर द रूट्स देन, माइनस साइन कॉमन लिया, इस केस में रूट्स क्या बने थे? यस मैम इसमें नो रियल रूट बनी है। मैम, यस मैम, रियल रूट्स नहीं थे। यस इधर आएगा -7 प्लस -49 -64 है ना, यस मैम, यस यस मैम, नो रियल रूट्स, ये क्लियर है सबको? यस यस मैम, मैम, ओके नाउ केस नंबर टू, एक्स बिलोंग्स टू -7 टू -5, यानी कि ये वाला सेकंड रीजन अपना। तो यहां पे फर्स्ट टर्म मेरी पॉजिटिव होगी नेगेटिव, बोलो बोलो क्या लिखूं मैम इधर? बोलना मैम, नेगेटिव मैम, नेगेटिव फर्स्ट टर्म क्या होगी इस वाले रीजन में, सेकंड रीजन में मैम, हमारे इस वाले नेगेटिव में? नेगेटिव। और सेकंड टर्म बोलो पॉजिटिव मैम, पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव यस। सो अल्टीमेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी -x² मैम यस। मैम वैसे वो सेकंड टर्म में पॉजिटिव क्यों होगी, एक बार एक्सप्लेन कर दोगे? क्या क्यों होगी भाई बताओ सारे पूछा, भाई क्या माइनस वाई वाई है, पूछा भाई? मोड में +7 है। देखो को जिसने भी पूछा कि ये वाली टर्म क्यों पॉजिटिव होगी, यही है ना आपका क्वेश्चन? यस क्योंकि हम -7 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं। अगर आप -6 इसमें पुट करोगे, -6 + 7 क्या होगा? 1। -5 पुट करोगे, -5 + 7 = 2, पॉजिटिव आ रहा है ना? यस यस मैम, तो पॉजिटिव होगी, ठीक है? ओके अदरवाइज मैम, मोड फंक्शन वही, ये देखो ना मोड फंक्शन क्या हो जाएगा, x+7, अगर x+7 > 0, -x+7 अगर x+7 < 0, इज दैट क्लियर? यस मैम, तो यहां से पॉजिटिव होगी। अब मेरे को इसके रूट्स बता दो जल्दी से। एम -3 माइनस प्लस माइनस √57 अपॉन में 2। यस इसको हम अगर सॉल्व करेंगे वाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देन इट विल बी लाइक दिस, यस और नो? यस मैम, यस मैम, तो मैं कौन सा केस लूंगी यहाँ पे इस केस में? मैम मैम नेगेटिव एक वाला, डिस्कार्ड हो जाएगा इसमें से, मैम नेगेटिव वाला आ जाएगा। एक मिनट नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रही हूँ, ये आया ना -3 + -√57/2। अब देखो अगर हम एक्स को लेंगे -3 + √57/2, ये तो बिलोंग नहीं करता ना यस -7 से मैम, नहीं माइनस करता, फाइव तो पॉजिटिव क्या हो हो जाएगा ये तो। जाएगा? डिस्कार्डेड है ना। तो यस फिर मैम, अल्टीमेट यहां से हमें कितनी वैल्यू मिल गई, एक्स क्या हो जाएगा? -3 - √57/2, इज दैट क्लियर? यस मैम, यस यस मैम, मैम, केस थर्ड कौन सा हो गया अब इससे, -5 से बड़ी वैल्यूज है ना? -5 से इनफिनिटी। हाँ तो अब दोनों केस में ही हमारी दोनों टर्म्स क्या होंगी, ये वाली भी पॉजिटिव ये वाली भी पॉजिटिव है ना? बोलो बोलो, यस मैम, यस मैम, दिस इज यस एक्स मैम, इंटू x+5 + 2 × x+7 -2 = 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी सिंपलीफाई करके इसको? x²+7x+2l = 0। यस मैम, यही आया सबका इस केस में? यस मैम, यस मैम, दोनों ही वैल्यूज -5 से तो बड़ी है ना, यस मैम, तो यस एक तो आ मैम, गया ये सॉल्यूशन, दो आ गए हमारे पास ये सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हुए मैम टोटल? टोटल 3 सॉल्यूशंस हो गए रियल। तीन थ्री रियल सॉल्यूशंस। क्लियर है सबको?
चलो सबको क्लियर है तो हम अब आज का डिस्कशन करते हैं शुरू. दैट इज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स. तो हाँ जी मैम, मेरे को ना दो क्वेश्चंस में डाउट थे तो मैं एक बार आपको भेजती हूँ, तो मैम आप वो क्लास के एंड में या आप मेरे को सॉल्यूशन बता देना उसका. ओके ओके. एक और भी बोल रहे थे, किसी ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, कब दिन में कब भेजा था. एक का तो मैं दे चुकी हूँ, अंशिका आई थिंक. यस मैम. चलो मैं देखती हूँ. हाँ जी ट्रिगो का था वो, तो अंशिका का डाउट जो था ट्रिगो का था. बाकी कोई यार चैट बॉक्स में लिखा हुआ था, किसी ने मुझे नाम नहीं यार. चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं वो भी. चलो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, जस्ट अ मिनट. यस तो हम अब करते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट. सबसे पहले बताओ, पढ़ा हुआ है कुछ इसके बारे में पहले कभी? मैम 10th में पढ़ रखा है. मैम 10th में पढ़ा. मैम 10th का पढ़ रखा है. यस मैम. बचपन में कितने बड़े हो गए? चलो इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना. इफ दिस इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो हम इस इक्वेशन को कैसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, यस और नो? यस लिख सकते हैं ना. जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? This is x square. हाँ जी बोलो मैम. ये इसी का क्या इक्वेशन बनेगी भाई? यही बनेगी ना. यस मैम. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने पे ये बना लाइक दिस, है ना. अब एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर अगर मैं इसको वन दे दूं नाम, दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन, दिस इज माय इक्वेशन नंबर टू, है तो दोनों इक्वेशन बराबर ही ना. Yes, ma'am. है ना. बट यहाँ पे देखो x square का कोफिशिएंट क्या है, a one. और यहाँ पे क्या है, one. One. तो हम इक्वेशन नंबर वन को अगर ऐसे लिख दें, x square b by a x plus c by a is equal to zero, तो अब ये दोनों टू और थ्री इक्वेशन बराबर है, यस और नो? बोलो. इक्वेशन टू विल बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर थ्री, यस और नो बताओ? यस मैम. तो यहां से हमारे पास क्या आया, जब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाय ए ना, बी बाय ए कोफिशिएंट. यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, है ना. यस मैम. एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसके, सी बाय ए के. यस, हमने क्या किया, एक्स के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा किया और किसको किया, कांस्टेंट टर्म को, है ना. यस मैम. तो इससे हमारे पास क्या आया, सम ऑफ रूट्स तो दैट मींस यहां से अगर हम देखें सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, माइनस बी बाय ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इज दैट क्लियर? और यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म. यस मैम.
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x square. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. मैम मेरे को डाउट है इसमें थोड़ा. हाँ जी बोलो. मैम ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मतलब इक्वल कैसे हो गए? जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, यहाँ पे अल्फा और बीटा रूट्स है, तो हम उसको x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, येस और नो? यस मैम. तो दोनों इक्वेशन इक्वल हुई ना. फर्स्ट इक्वेशन से हमने a कॉमन लिया थ्रू आउट जस्ट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इज दैट क्लियर? यस मैम. ओके चले आगे. यस मैम. ये तो आपके बचपन वाला कॉन्सेप्ट है ना? हाँ मैम. बचपन में भी यही था ना? चेंज तो नहीं हो गया कुछ? प्लस माइनस ऊपर नीचे तो नहीं हो गए? नो मैम. चलो पता चले सम वाला प्रोडक्ट में चला गया भाई, ऐसा तो नहीं हुआ ना? बस डेरिवेशन आ गई. नो मैम. अच्छा कोई बात नहीं, बड़े हो रहे हो ना अब तुम. चलो ये तो थी, हाँ ये तो थी सम और प्रोडक्ट की बात. अगर हम डिफरेंस ऑफ रूट्स देखें, डिफरेंस ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा माइनस बीटा. अच्छा जब भी हम डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात करेंगे ना, हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे. ठीक है, मैं मोड लगा रही हूँ क्योंकि हमें अल्फा और बीटा का अभी पता नहीं है वैल्यूज. ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम. चल तो मुझे ये बताओ, अल्फा माइनस बीटा का मोड अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, है ना, तो ये किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू ऑफ अल्फा बीटा. यस और नो? यस मैम. क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो मुझे जल्दी से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू इसमें पुट करो, मुझे वैल्यू बताओ जल्दी से. निकालो कॉपी पेन अपना, पीछे से ही वही पीछे वाली चल रही है वो माइनस बी बाय और ये, इसमें पुट करो एंड सोल्व. हम रूट्स निकाल लें. मुझे मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या आई ऑन पुटिंग द वैल्यू. स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा सी ए. हां तो करो करो थोड़ा और सिंपलीफाई. स्क्वायर माइनस 2ac बाय a स्क्वायर. सुन तो लो, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बता दो जल्दी से सॉल्व करके. हम पूरी फाइनल आंसर. यस. ए बी स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन में ए स्क्वायर. एक बात बताओ सब लोग, यहां पे देखो, एक तो एक सेकेंड यार, यहाँ पे फोर आएगा. एक मिनट, क्यों आएगा? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस टू ऑफ अल्फा बीटा माइनस फोर ऑफ अल्फा बीटा ना, है ना? यस मैम. तो यहाँ फोर आना चाहिए नॉट टू. अब करो कैलकुलेट करो. अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारा? माइनस बी अपॉन ए, है ना? यस मैम. और अल्फा बीटा क्या आएगा? सी बाय ए. सी बाय ए. दिस इज बी स्क्वायर डी बाय में ए स्क्वायर. यहां तक सबका आ गया? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो थोड़ा सा एलसीएम लेके इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं. तो ये क्या बना? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए स्क्वायर. यस और नो? यस मैम. यस मैम. है ना, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है हमारा? डी मैम. डी होता है डी अपॉन ए स्क्वायर. तो यहाँ से मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज डी बाय ए स्क्वायर. ठीक है, बट हमें तो डिफरेंस चाहिए ना, हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड. अच्छा मोड है तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा ना? यस और नो? यस मैम. क्लियर है सबको? यस मैम. तो यहां से हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, डिफरेंस ऑफ रूट आ गया. ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस, ये वाली ये कंडीशंस तो अब सबको पता है, जिसके रूट्स क्या हैं? अल्फा और बीटा. तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए. यस. प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा?
सी अपॉन ए एंड डिफरेंस ऑफ रूट क्या होगा अंडर रूट डी बाय मोड ए इज दैट क्लियर हम डिवीजन रह गए बस ठीक है वो भी हो जाएगी अल्फा बाय बीटा सीधा चलो डिवीजन रह गई तो अल्फा बाय बीटा ना वो तो रूट्स आ ही जाएंगे सीधे सीधे चलो अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ फिर अब ये मत बोलना मैम आप कराते हो लेवल वन ये भी इजी है ना मैं तो इजी क्वेश्चन देती हूँ तुम्हें टेस्ट में भी यहाँ पे टेस्ट में देते हो ना मैम भी कंफ्यूज हो जाते हो टेस्ट में आ जाता है चलो एक बात बताओ अभी तक जैसे हमने वो मेजर टेस्ट का भी डिस्कशन किया था कोई भी ऐसी चीज थी जो नहीं मैंने कराई नहीं मैम फिर भी क्वेश्चन थोड़ा वो होता है ना कॉम्प्लेक्स लैक ऑफ प्रैक्टिस देन ठीक है मैम क्योंकि मुश्किल से वी हैव एक या डेढ़ घंटे की क्लास ना उसमें मैं कितने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन ही कैसे करा दूंगी ना चलो क्या आ गया आंसर मैम रास्ते में मैम सबका एक साथ आ रहा है ना थोड़ा ट्रैफिक हो गया यहाँ पे भी नेटवर्क वीक है क्या मैम वन मिनट वैभव ने दे दिया है आंसर बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए सी अच्छा ये नीचे आपने सी स्क्वायर कैसे लिखा है मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा चलो जल्दी से मुझे ये बताओ पी और क्यू रूट्स हैं इस इक्वेशन के है ना तो पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा क्या वैल्यू होगी इसकी बोलो माइनस बी बाय ए यस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू मैम सी बाय ए यस हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर है ना तो हम क्या करेंगे टेक द एलसीएम यही होगा ना सबने यही किया Yes, ma'am. ठीक है तो 1 by p square plus 1 by q square is equal to, अच्छा p square plus q square, इसको हम कैसे लिख सकते हैं p plus q whole square minus 2pq, yes or no? Yes. Yes, ma'am. Now put the values. This is minus b upon a square 2 into C by A. And in the denominator we have C square by A square. C square by A square, right. So yahan pe ultimate we will get B square by A square minus 2C by A upon C square by A square. Simplify karo isko aur mereko batao kya answer aaya. मैम चैट बॉक्स देख लो ऊपर देखा मैंने दिस इज बी स्क्वायर माइनस टू ए सी और यहाँ पे सी स्क्वायर तो था ही और ये वाला जो ए स्क्वायर है वो कैंसिल आउट होगा यस और नो यस तो अल्टीमेट द करेक्ट आंसर इज दिस
मैम आपने एक आंसर पर तो बोला था कि सी स्क्वायर कैसे आया। यस मैम स्क्वायर बोला था क्या? ए स्क्वायर, एक सेकंड मैंने किसी का ए स्क्वायर देखा था यार, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए स्क्वायर, और ये चलो कोई बात नहीं, अगर मैंने बोल दिया गलती से तो सॉरी भाई, वो ए स्क्वायर बोला था, चलो कंफ्यूज करने के लिए बोला था बस। इट्स ओके मैम सॉरी। ओके चलो क्लियर है सबको? सॉरी एक्सेप्टेड। ओके ओके चलो क्लियर है आप सबको? यस मैम। यस मैम क्लियर है तो चलो मुझे इसका आंसर दो इन द चैट बॉक्स, इसमें सी स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं होगा तो कंफ्यूजन भी कम होगी। मैम ए नहीं, और आपको चैट बॉक्स में आंसर करना होता है, क्लास का रूल यही होता है। चलो दो तीन लोगों ने भेजा अभी तक, इतनी स्लो स्पीड इतने बेसिक से क्वेश्चन में, वाई? चलो ये बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज सिक्स टाइम्स द अदर, है ना, तो रूट्स क्या क्या लिए आप लोगों ने? अल्फा प्लस सिक्स अल्फा, ठीक है। अगर एक रूट, लेट अल्फा अगर एक रूट है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे रही हूँ, ठीक है, रूट ऑफ वन, देन अदर रूट विल बी सिक्स अल्फा, सिक्स अल्फा, इज दैट क्लियर? ये तो सबको क्लियर है ना? बोलो बोलो सब। यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस सिक्स अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए होगा ना, तो दिस इज क्या आएगा यहाँ पे? 14 अपॉन पी, 14 बाय पी, दैट इज 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 बाय पी, ये आ गया सबका? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाय ए, है ना, तो इसके हिसाब से हमारा अल्फा मल्टीप्लाई बाय सिक्स अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? मैम 8 बाय पी, 8 बाय पी, यस, तो सिक्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय पी, है ना? यस मैम। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी? 2 बाय पी, 2 बाय पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 बाय पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय पी, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो 6 इनटू 4 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय पी, सो अल्टीमेट पी इज इक्वल टू 3, ठीक है? यस यस मैम। करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी।
तो एक जो भी बोल रहा था, ए कौन बोल रहा था? वो मैम आ गया, फिर बाद में आ गया समझ में कहाँ गलती करी थी मैंने। ठीक है चलो, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देख लो कितने बेसिक सी चीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं जेई में, ये तो तुम्हें नंबर लेके अच्छे से लेके आने हैं, इसमें नहीं कटवाने नंबर। ठीक है थम्स अप ही कर दो। यस मैम। मैम ब्रैकेट के बाहर 2x है ना ये? यस यस बोल देती हूँ मैं इक्वेशन, ताकि कल की तरह तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। 2x into 2x plus 1 इज इक्वल टू 1, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हुआ किसी का? हाँ नमस्कार। चलो क्या आया? ए आंसर। थोड़ा यस सा बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है, ठीक है? नहीं आ रहा नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। नहीं चलो आ हमारे रहा पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? होता है। 2x में 2x plus 1 is equal to 1, इसको सिंपलीफाई करके क्या इक्वेशन बनेगी? मैम फोर 4x² + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ माइनस वन आएगा ना? माइनस आएगा, माइनस हाँ 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 कर रही हूँ कर रही हूँ। चलो ये सबकी बन गई ना इक्वेशन? यस यस मैम। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके दो रूट्स है, कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा, है ना? तो अब यस मैम। एक बात बताओ, अगर अल्फा और बीटा रूट्स है, ठीक है, तो हम हमारे पास क्या होगा, इसको हम करते हैं सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा?
sum of fruits will be equal to minus one by two. Yes, minus 1/2. Yes, this is first. ओके अब अल्फा और बीटा अगर रूट्स होते हैं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना. यस मैम. सो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना. यस मैम. यस मैम. और यहाँ से हमारे पास क्या आया, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1, दो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इज दैट क्लियर. यस मैम. तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट करेंगे इनटू, पुट इन टू. सो अल्टीमेट वी विल गेट दैट इज 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2 इनटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो, बोलो जल्दी से. कॉमन ले लेंगे मैम, 4 अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू आई दिस, है ना. क्लियर है सबको. यस मैम. मैम एक बार मैम आप बीच से दोबारा बता दो, पीछे स्लाइड में. देखो अल्फा और बीटा हमारे रूट थे इस इक्वेशन के, है ना. अगर इसके इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस 2/4. यस और नो. यस मैम. दैट इज माइनस 1/2. अब अगर जो रूट होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ना, तो अगर अल्फा रूट है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, ये वाली इक्वेशन. क्लियर है सबको. यस मैम. Yes, ma'am. फिर हमने क्या किया, जो हमारी पहले वैल्यू आई थी माइनस 1/2, उससे हमने माइनस 1 की वैल्यू निकाली, माइनस 1 की जगह उसको पुट किया एंड देन वी फर्दर सिंप्लीफाइड. क्लियर है. यस मैम. मयंकी सिंह, मैंने अलग मेथड से करा, कोई बात नहीं, मेथड इसमें अलग हो सकता है, आंसर शुड बी सेम. हाँ आंसर ठीक है. हाँ चलो मैम, ग्रीन वाला पॉइंट समझ नहीं आया. कौन सा वाला मैम, ग्रीन वाला पॉइंट, ये वाला. यस मैम. यहाँ देखो माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा ना. यस मैम. तुमने मैम माइनस 1 की जगह पे पुट करा है. हाँ माइनस 1 की जगह मैंने ये पुट कर दिया. ठीक है. ओके मैम. क्लियर है. यस मैम. चलो अगले क्वेश्चन पे चले. Yes. चलो सोल्व करो इसको, ट्राई करो. यहाँ पे तो मैं सब तुमसे ही ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी, क्योंकि आप दे दिया ना आपने खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन. अब नीचे की तरफ में 3a की पावर 9 है. हाँ जी, मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को, अगर किसी को दिक्कत हो रही है देखने में ना, ताकि कोई कल मुझे कल की तरह ये ना बोले कि मैम हमने तो सोचा था वो पॉइंट था. ये 3a9 लिखा है ना नीचे. हाँ, और ये टर्म है a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ a9. ठीक है. चलो अच्छा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑप्शंस. मैम 5 नंबर वाला है, एमसीक्यू नहीं है ये. सिंगल एमसीक्यू मैम, रहने दो, मत ही लिखो, आने तो वाला है. चलो चलो करो. मजा आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके. मैम इस क्वेश्चन से पहले बहुत बढ़िया लग रही थी, और अब क्या हो गया. मैम क्वेश्चन ने थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया. कोई बात नहीं, अभी तो क्या वो पार्टी शुरू हुई है वाला कॉन्सेप्ट है ना, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है.
मैम ये आप ही करा दो। मान ली हार, दो मिनट और दिमाग, मैम दो मिनट और दिमाग मार ले, रुक जाओ अभी एक मिनट। चलो कोई नहीं, एक दो मिनट लो, ट्राई करो वैष्णवी आप भी। जरूरी नहीं है हर बुरा सा दिखने वाला क्वेश्चन बुरा ही हो। हाँ मैम बहुत बुरा भी हो सकता है। हम कभी कभी डिफिकल्ट लगने वाले क्वेश्चन इजी से हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। मैम यस यस मैम एक बार एमसीक्यू दिखा दो, मेरे को आंसर मैच करना है। आंसर की दिखा दूं? नहीं मैच करना है, मेरे को एमसीक्यू बता दो एक बार, कहीं मेरा कहीं और ही आ रहा हो फिर। 1 2 3 4 मैम मेरा आंसर 3 पे लॉक कर दिया जाए। 3 पे लॉक करें? यस मैम। सोच लो मैम मेरा 5। मैम आप कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो फिर। अब 5 तो ऑप्शन में ही नहीं था। 1 2 3 मेरा आया ही नहीं इसलिए। मैम मैंने 3 बोला है। ऑडियंस पोल क्या हो गया आज तुम्हें? 3 है। कौन कह रहा भाई 3 है? मैं नाम तो बता दे क्या करेगा। तू बोल रहे थे, अब तुम 3 बोल रहे हो, तुम बोल रहे नहीं मैम कंफर्म है 3 है। देख लो 1 4 बच गए हैं। हां 7 करोड़ आपके। अच्छा 7 करोड़ मेरे। चलो मैम इसकी बात है मत करो, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा है, पहले भी करा था, मैं कॉपी में ढूंढ रहा था इसका आंसर। ये देखो अब नहीं करना, मतलब सोल्व कॉपी में करा है मैम, कर रखा है वाला क्वेश्चन। चलो देखो अल्फा और बीटा हमारे रूट्स है कौन सी इक्वेशन के? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है ना? सबको दिख रही है? रुको मैं लिख देती हूँ। हमारी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ठीक है। और इसके रूट्स क्या क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो अब हमें एक चीज दे रखी है, क्या ए एन इज इक्वल टू अल्फा रेस टू दी पावर एन माइनस बीटा रेस टू दी पावर एन है ना? हमें क्या क्या चाहिए? a8 a10 a9 है ना? इस फॉर्मूला से a8 क्या हो जाएगा? अल्फा रेस टू दी पावर 8 बीटा रेस टू दी पावर 8, यस और नो? यस। व्हाट इज a9? ये सबको क्लियर? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे आएगा बीटा, दिस इज आर बीटा रेस टू दी पावर 10। अब एक बात बताओ, अल्फा और बीटा जब हमारे रूट्स हैं, यहां मैं लिख रही हूँ एज अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, तो हम ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ना? यस और नो? यस मैम। ये क्लियर है सबको? यस मैम। चलो अब हमारे पास जो वो क्या कहते हैं, जब कुछ इंग्रेडिएंट्स वो तो हमारे पास रेडी हो गए, जो हमें चाहिए थे है ना? अब हम देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। हमें निकालना क्या है? ये वाली वैल्यू, दैट इज a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ a9 है ना? हमें a10 पता है क्या था, बोलो तुम ही बोलो। मैम अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। ये वाला हम एक साथ रखते हैं, ट्वाइस ऑफ व्हाट इज a8? अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8। 3 टाइम्स ऑफ a9 मैम पावर, यही कर दो मैम सेम। ठीक है, तो हमने क्या किया, अल्फा की टर्म्स को इकट्ठा लिखा ठीक है, और बीटा की टर्म्स को इकट्ठा लिखा। यहाँ तक सबको क्लियर? यस मैम। ये सबको क्लियर है? यस मैम। मैम एक बताना क्या करें? अल्फा अल्फा को इकट्ठा कर दिया, बीटा बीटा को इकट्ठा कर दिया भाई न्यूमरेटर में, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ हमेशा कॉम्प्लेक्स मेथड से क्यों कराते थोड़ा? अल्फा की 8 आ गई कॉमन, यहाँ क्या बचा? ये
बोलो जल्दी से। हाँ तो इतनी जल्दी बोल रहे हैं ना ये लोग। अरे चलो अल्फा स्क्वायर माइनस टू की वैल्यू और बीटा स्क्वायर माइनस टू की वैल्यू पता लग जाए तो हम क्वेश्चन को कर देंगे क्या सोल्व, है ना। यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर माइनस टू की वैल्यू क्या होगी, सिक्स अल्फा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस टू, सिक्स बीटा, यस और नो? सिक्स बीटा, यस मैम। कर दो यूज इसमें, करो पुट, सोल्व करो। यहाँ क्या लिखूं, सिक्स अल्फा ना? यस मैम। दिस इज सिक्स बीटा, सो अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट, सिक्स को निकाला कॉमन, अल्फा नाइन बीटा रेस टू द पावर नाइन, अल्फा नाइन बीटा रेस टू द पावर नाइन मल्टीप्लाई बाय थ्री, आंसर विल बी टू। यस और नो? यस मैम। मुश्किल था मैम? मुश्किल नहीं था, लग रहा था देख। मैम मुश्किल नहीं था, डिफिकल्ट था। मुश्किल नहीं था, डिफिकल्ट था, ट्विस्टिंग था थोड़ा, ये बोल सकते हो। तीन वाले कहाँ हैं भाई? हाँ मैम, इतना नहीं सोच पाया। पहले वाली स्लाइड लगा दीजिए, लगाती हूँ एक सेकंड। पहले तीन जिन्होंने तीन आंसर करा था उनको तो ढूंढने दो, सात करोड़। मैम इसकी कॉपी में भी पहले गलत कर रखा था, तुम्हारी कॉपी में भी पहले गलत नहीं आ रहा है मैम। मैं आपको भेजू क्या? क्या मेरा तो तीन ही आ रहा है, मैं भेजू क्या? भेज दो, मैं देख लूंगी, मतलब मिस्टेक तो फिर देख एक बार बता दूंगी। पता नहीं कैसे टू आ रहा था, मैंने पहले भी करा दो तीन बार क्वेश्चन करा सेम यही। हो सकता है इसमें दूसरा हो, उसमें ना इसमें n greater than 1 है, मैं हो सकता है उल्टा हो थोड़ा। कोई नहीं, आप अब हार गए हो सात करोड़, कोई बात नहीं। कोई नहीं, अकाउंट नंबर रिजल्ट ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है चलो, ये क्या लिख रहे हो, फिजिक्स चैप्टर 9 आर्ट सत्व। चलो सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? हां जी बोलो। अब एक बार आपके तरीके से दोबारा बता दो। मेरे तरीके से पहले पहले समझ में नहीं आता सर, आप मैम आपका तरीका पहले पहले थोड़ा समझ नहीं आता। अच्छा दूसरी बार में आ जाता है? हाँ मैम। सबसे पहले देखो हमें, चलो सुनो सुनो सब सुनो, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी है ना, उसके रूट्स थे अल्फा और बीटा। हमें हमें ए एन एक रूल दे दिया, ए एन हमने कुछ नहीं किया, ए एट ए नाइन ए टेन इन तीनों की वैल्यू लिखी है। सबको फर्स्ट स्लाइड में दिख रहा है? बताओ जल्दी से आदित्य और गांधी, अब चैट बंद कर दो नहीं तो मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दूंगी फिर। मयंक ऑल्सो ठीक है, पीरबक्स एक सेकेंड। तो इसके बाद हम जब अल्फा और बीटा अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है तो वो उसको सेटिस्फाई करते हैं ना, यस और नो? बोलो रिपीट करना एक बार। अगर किसी कोई भी इक्वेशन के रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, यस मैम वही बोला मैंने। ठीक है तो राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करते हैं तो मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी, इज दैट क्लियर? यस मैम। इसके बाद हमें यही जो टर्म निकालनी थी, ए टेन माइनस ट्वाइस ऑफ ए एट थ्री टाइम्स ऑफ ए नाइन, वहां पे मैंने सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। ठीक है स्टेप वन। फिर इसके बाद अल्फा अल्फा को इकट्ठा किया और बीटा बीटा को इकट्ठा किया, इज दैट क्लियर? यहाँ से अल्फा की पावर एट कॉमन आ रहा था, यहाँ से बीटा की पावर एट कॉमन आ रहा था, बाहर निकाल दिया, बचा ये। इन दोनों की वैल्यू हमें यहाँ से पता थी, सिक्स अल्फा और सिक्स बीटा, है ना। बस फिर पुट किया, कैंसिल कर दिया। आ गया समझ? जिनको फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आता, कितने लोग हैं जिनको मेरा फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आता, बताना जरा तुम लोग। मैम आ जाता है वैसे तो कभी कभी, कभी कभी जो थोड़े से ट्विस्टिंग होते हैं ना उनको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, और फिर तुम कॉपी पेन लेके उनको घर पे सोल्व करते हो नहीं करते हो? यस मैम नहीं करते। इतनी बार मैंने बोला कि हाँ बस अब आवाज नहीं आ रही हमें। यस पीर बख्श आपने हैंड रेज किया था, बोलो।
मैम इसका कोई इजी तरीका नहीं है। इसका इजी तरीका सबसे यही है कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट ही किया और तो कुछ किया ही नहीं। मैम ऐसे तो पूरा जे ही निकल जाएगा। मैम मैंने तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा फिर हम इसको न्यूटन फार्मूला से नहीं कर सकते थे क्या? न्यूटन फार्मूला नहीं भाई, पाइथागोरस पाइथागोरस लगेगी। ठीक है, अरे मेरी बात सुनो, जो भी आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो करो, कॉपी पर लेके सोल्व करो, मुझे भेजो फोटो, ग्रुप में डालो तो देखते हैं सब लोग। पिछली स्लाइड कर देना, सब लोग देखेंगे कि आप कौन से फॉर्मूला को यूज करते हो। ठीक है मैम। ठीक है चलो, अब हम आगे वाले चले आगे कॉन्सेप्ट पे। यस मयंक बोलो, इज देयर एनीथिंग टू से? नहीं मैम। दिव्या, श्याम, आदित्य, गांधी, जो भी लोग ये अदर देन टॉपिक से हटके जो भी बात कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर यही चलता रहा तो मैं कल से ऑफ करके बैठूंगी अपनी क्लास में। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं मैम अभी। मैम अब तो मैं शांत हूँ, तो माइक से बोल रहा हूँ। मैंने भी नहीं बोला कुछ। चलो ठीक है, अब बोलना भी नहीं है, सिर्फ रेलेवेंट बात करनी है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? तुम बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज यस, नाउ वी विल डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जब हमारे हमें क्या दिया हो, रूट्स पता हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसके रूट्स है पी और क्यू, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये तो सबको पता है, यस यस मैम। अल्टीमेट हम इसको कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स इंटू एक्स प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। फॉर एग्जांपल, इफ 2 एंड 4 आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, तो इक्वेशन विल बी क्या होगी इक्वेशन मैम, x स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देती हूँ, एक सेकेंड। तो क्या होगा, x स्क्वायर विल बी x स्क्वायर सम ऑफ रूट्स ना, 2 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस, yes, so ultimate we will get x square minus 6x plus 8 is equal to 0. Is that clear to everybody, yes or no? Yes, yes ma'am. Sab jaag rahe hai na? Yes ma'am. Koi so to nahi raha? Nahi nahi ma'am, char bande, ma'am char log bol rahe hain ki jaag rahe hain, baki ma'am wo to so rahe hain, baki to kuch bol, kuch log bolte hain, kuch log chat box mein reply karte hain, मैं दोनों करता हूँ, कुछ लोग थम्स अप करते हैं। चलो अगर जाग रहे हो को भी जगा दो, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। दो मिनट, दो मिनट, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो आराम से, देखो हमें एक टॉप क्वेश्चन ऐसा देते हो ना, क्या देख के मजा नहीं आ, हम जिस मेथड से करते हैं उस मेथड से आप कराते नहीं हो, आप अलग ही मेथड पता नहीं नया नया आ जाता है, पता नहीं कहाँ से सब कुछ। That's why this is called mathematics ना, यहाँ पे different methods हैं question को solve करने के, लेकिन तभी आप math के teacher हो। भाई क्या reference था भाई, मैं समझ नहीं आया। देखो question में क्या दिया हुआ है, alpha और beta roots हैं। चलो एक काम करते हैं, एक काम सबसे पहले ये करते हैं हम लोग, सबसे पहले ना इस इसको भी चलो, सबसे easy वाला लो तुम, इजी वाला तो मैं करा चुकी हूँ, अब मैं ये वाले तुम्हें दूंगी, अगर कि भाई ये रूट्स हैं फाइंड आउट करो। मैं क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन दिखा दो हम कर रहे थे। हाँ हाँ करो, यही मैं भाई क्वेश्चन सही है। हाँ थोड़ा सा हट के देते हैं ना, सबने ट्राई करना है, ठीक है।
उमंग मिश्रा, आप आज कितने दिनों बाद आए हो क्लास में? यस मैम, आया था। आए थे? नो मैम, भागवत था ना, बताया तो था आपको। तुषार, आजकल तुषार आप आंसर नहीं करते हो, क्या बात है? सॉल्व नहीं करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पढ़ा है पहले? थ्री क्या सी ऑप्शन? आज तो विकास भी आंसर नहीं कर रहे, क्या बात विकास? मैम उसका डेवलपमेंट चल रहा है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अभी। ट्रैवल करते करते क्लास ले रहे हो, देख रही हूँ। तो क्लास क्यों ले रहा है भाई? से बेड पे पड़े पड़े लेना यार, मस्त कंबल ओढ़। आदित्य मैं म्यूट कर दूँ सबको? कल से ना तुम्हारा माइक सबका बंद रखेंगे, ओनली चैट बॉक्स ऑन रहेगा, ठीक है? मैम करवा दूं। यस, सिर्फ चैट बॉक्स में ही अब तुम रिप्लाई करना कल से। मैम पर आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर। सही बात है, इट्स ओके। अदर ये डिस्टरबेंस तो नहीं होगी ना क्लास में? आदि तो डिस्टरबेंस ही रहती है तुम्हारी। यस मैम, ये बात भी है। नहीं, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, जो जो ऑप्शन सी बोल रहे हैं गलत है। दोबारा से कैलकुलेशन करो शाम। गौरव मैम दो ऑप्शन बचे हैं, वो भी कोई बोल दो भाई। चलो बताओ कैसे किया सॉल्व, करा है किसी ने सॉल्व के नहीं? सब गैस की गैस ही कर रहे हैं। मैम कोशिश करी थी सॉल्व करने की, पता नहीं क्या हो गया। यस हेलो, आप बताओ। मैम सॉल्व कर लिया था। मैम पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद पुट कर दिया था अल्फा बीटा की वैल्यू। फिर ये अल्फा 4 आ जाएगा, 98 और 97 आ रहा था। अच्छा चलो सब देखो, यहाँ पे अल्फा और बीटा रूट्स हैं किसके? एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 1, है ना? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ना, सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? माइनस बी बाय एंड व्हाट इज अल्फा बीटा? माइनस 1 माइनस 1। ये क्लियर है? अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल के भी आप कर सकते हो, जस्ट लाइक आलोक ने बोला। अदरवाइज यस, आपका नंबर बताना। क्या आपका नंबर ग्रुप पे होगा भाई? है ना, अदरवाइज यू कैन मैसेज इन द ग्रुप आल्सो। ठीक है मैम। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, अल्फा रेस टू द पावर 4 प्लस, अच्छा इसको मान लेते हैं हम, लेट m1 इज इक्वल टू अल्फा रेस टू द पावर 4 प्लस बीटा रेस टू द पावर 4 और m2 इज इक्वल टू 1/10 अल्फा 6 प्लस बीटा 6, है ना? हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके ये दोनों रूट्स हो। यस और नो, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? जल्दी यस मैम।
ठीक है, अब मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, तो मुझे अल्फा, अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताना जल्दी से, कैसे निकालेंगे? मैम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। यस राइट, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा मैम? ये आएगा एट, एट आएगा ना, एट प्लस टू दैट इज टेन, ठीक है? यस मैम। बट हमें क्या चाहिए था? अल्फा रेज टू द पावर फोर प्लस बीटा रेज टू द पावर फोर, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यस और नो? यस। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आया? टेन का स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ माइनस वन स्क्वायर, अल्फा बीटा हमारे पास माइनस वन था ना? यस मैम। हंड्रेड माइनस टू इज 98, तो हमारे पास एम वन की वैल्यू आ गई। यस मैम, नहीं एक बार दिखाना है M1 पीछे। एक रूट आ गया ना हमारे पास, क्लियर है सबको? यस मैम। एक बार आप और बता दीजिए। जस्ट अ मिनट, अल्फा रेज टू द पावर सिक्स प्लस बीटा रेज टू द पावर सिक्स कैसे निकालेंगे? अल्फा की अल्फा स्क्वायर का क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं इसको? यस और नो? यस मैम लिख सकते हैं। तो हम इस ये वाली आइडेंटिटी तो बहुत अच्छे से पता ना हमें, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल क्यूब माइनस थ्री टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम, तो अब तुम्हें वैल्यूज पता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? टेन, टेन, टेन का क्यूब, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी? माइनस वन रेज टू द पावर टू, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज दोबारा टेन, थाउजेंड माइनस थर्टी कितना होगा? 9,770. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी? x स्क्वायर माइनस m1 m2 x प्लस m1 m2 इज इक्वल टू जीरो। पुट करो, सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। मैम मुझे पहली स्लाइड समझ नहीं आई थी, आप एक बार मेरे को वो समझा देंगे? एक सेकंड, बीच में मैं नहीं दोबारा से समझाऊंगी तो देख लेना। बी आ रहा है मैम। यस, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 98 into 97, 9506. Yes ma'am. Yes ma'am. Clear है सबको? मैम ऑप्शन नहीं। Yes ma'am. चलो, तो अब मेरे, अब इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट कि आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, लाइक आलोक सेट कि उसने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली यहाँ से, एंड देन अल्फा फोर प्लस बीटा फोर निकाल के फिर ये वाली वैल्यूज, एंड देन उसने सॉल्व किया। मेथड इज दिस, जस्ट अ मिनट, मेथड टू इज दिस कि हम क्या करेंगे, हमें सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, सबको क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप, यस और नो? बोलते जाओ। yes, मैंने, yes, मैंने इसी तरीके से करा था। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए था? अल्फा रेज टू द पावर फोर प्लस बीटा रेज टू द पावर फोर, ये ना दो रूट्स है, तो इसको एक को मान लिया m1, एक को मान लिया m2, लाइक इस स्टेप में, इज दैट क्लियर? यस मैम। जिसको फर्स्ट स्लाइड समझनी थी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उस आइडेंटिटी से आ गया, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली जो हमारी आइडेंटिटी थी, है ना? हमने वैल्यूज को पुट किया, आंसर आया 10। यहां तक किसी को दिक्कत इस स्टेप में? बोलो। नो मैम, किसी को दिक्कत नहीं है। हमने फिर निकाली अल्फा रेज टू द पावर फोर प्लस बीटा रेज टू द पावर फोर सेम आइडेंटिटी से, ठीक है? वहां पे अल्फा बीटा था, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आई 98, ठीक है?
अब अल्फा रेज टू द पावर 6 प्लस बीटा रेज टू द पावर 6 की निकाली हमने क्यूबिक आइडेंटिटी से, ठीक है। फिर कुछ नहीं किया, दोनों की वैल्यू आ गई। हमने वो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी पढ़ा था ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स काइंड ऑफ। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम मैंने आपको भेज दिया अपना वाला सॉल्यूशन। ओके मैं देख लूंगी। यहां तक सबको क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। बाकी जो अप्रोच आपको आती है उससे भी ट्राई किया करो, ठीक है, और होमवर्क क्वेश्चन तो जरूर किया करो, सो दैट दो ही क्वेश्चन होते हैं, अपनी अप्रोच लगाया करो, मुझे भेजा करो। आज मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था, मुझे काफी सही लगा, श्याम आई थिंक उसका नाम श्याम है, और बाकी आलोक वो भी अपना रोज काम करते हैं और दिव्या भी मोस्ट प्रोबेबल वो करके आते हैं। बाकी के स्टूडेंट्स जो भी हैं यहाँ पे ज्यादा, यस यहाँ पे ज्यादा बोलने से बेटर है कि आप अपना काम करो, सेंड करो। इफ यू हैव एनी डाउट तो डाउट ग्रुप में डालो, क्लियर है। मुझे पर्सनल मैसेज करने के बजाय अगर आप डाउट ग्रुप में डालोगे अपने डाउट्स, सो दैट बाकी के स्टूडेंट्स भी देख लेंगे। सबको क्लियर? यस मैम। ठीक है, और ये बोलना कि हमारे पास टाइम नहीं है या हमारा स्कूल होता है, वट एवर द रीजन, ये रीजन आपका आगे नहीं चलेगा। ये वाले चैप्टर्स भी आपको इन डिटेल आगे 12th क्लास में कोई भी नहीं कराएगा। यू हैव दिस गोल्डन चांस कि आपको इसको अच्छे से करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये लगा लो कि आप इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए हो इन 10th क्लास। आपने बहुत सी बुक्स करी होंगी, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो जस्ट यू हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर दिस चैप्टर। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो जो भी कॉपी पेन लेके सोल्व नहीं करते क्वेश्चंस या कुछ भी, यहाँ पे आके ज्यादा बोलने से बेटर है अपना काम करो और शो करो कि आपने किया है, टेस्ट में अच्छा स्कोर करो। इज दैट क्लियर? कोई भी दिक्कत है पूछो, क्यों नहीं पूछते हो तुम लोग डाउट ग्रुप में? मेरे को तो 12th के ज्यादा बच्चे भेज रहे होते, तुम नहीं भेजते हो क्यों? मैम क्योंकि एक बार लोकेशन ने बताया था कि उनकी 11th क्लियर नहीं है। किसकी 11th क्लियर नहीं है? 12th वालों की। 12th वालों की 11th क्लियर नहीं है? तुम्हारी क्लियर है? हां मैम, उन्होंने 11th 29 से नहीं पढ़ी। जो भी है तुम पढ़ रहे हो ना, तुम अपने डाउट्स भेजा करो। हां मैम। मैम केमिस्ट्री के भेजे थे, मतलब दो तीन बार कोई रिप्लाई ही नहीं करता तो फिर भेजे ही नहीं। मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ, मैथ्स की क्लास चल रही है। मैं मैथ्स के हमेशा, मुझे जो भी स्टूडेंट भेजता है मोस्ट प्रोबेबल मैं रिप्लाई करती हूँ, नहीं करती तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन रिप्लाई जरूर करती हूँ। मैम कई बार ना होता है जैसे डाउट ग्रुप में आंसर जब तक मिलता है ना, जब तक हम यूट्यूब से निकाल के देख लेंगे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो तुम सोल्व तो करते हो। हाँ मैम, पर आंसर जैसे रिप्लाई जल्दी नहीं मिलता। पता चले ना तुम प्रैक्टिस तो कर रहे हो, अगर तुम अगर डाउट ग्रुप में उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा, उसके बाद किसी बच्चे को उसमें डाउट आया तो वो देख सकता है ना वहां से। डाउट ग्रुप बनाया किस लिए गया? यस मैम। जरूरी नहीं है ना हम ऑल टाइम फोन उठा के ही बैठे हैं कि हम तुम्हारे आते ही हम आंसर करना शुरू कर देंगे, जब भी देखेंगे तो हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है? यस मैम। चलो, और अगर तुम चाहते हो कि चैट बॉक्स ऑन रहे और माइक ऑन रहे तो प्लीज बी पंक्चुअल इन द क्लास। ये तुम्हारा जो बिहेव है ये नहीं चलेगा, बहुत लीनियंट सा बिहेव करते हो इन द क्लास। आई विल नॉट टेक इट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, ओके? अदरवाइज आई विल टर्न ऑफ द चैट्स और ये माइक वगैरह, फिर बस पढ़ा के चली जाऊंगी, फिर तुम बोलते रहना। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब ये आपके दो होमवर्क क्वेश्चन है, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। कल हम डिस्कशन यहीं से ही शुरू करेंगे, ठीक है? आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ा हमने बताओ? दो ही टॉपिक करे आज तो। फर्स्ट वाला कौन सा था बोलो? मैम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, रिलेशन रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बीच में, रूट्स एंड कोएफिशिएंट, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या था इसमें? यस मैम, डेरिवेशन भी की थी। सॉरी क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं मैम। मैम अंडर रूट डी, मैम अंडर रूट डी, अंडर रूट डी। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। दूसरा हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. इसका फॉर्मूला क्या था, अगर पी और क्यू हमारे रूट्स हैं मैम, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू जीरो. इज दैट क्लियर? यस मैम. तो व्हाट यू हैव टू डू, ये दो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं. अदर देन दैट आपको जितना भी टाइम मिलता है यू हैव टू डू ओनली प्रैक्टिस. ठीक है? यस मैम. ओके मैम. फिर हम कल वाली, कल तो है नहीं तुम्हारी क्लास, परसों मिलते हैं. यस मैम. ठीक है चलो. क्लियर है आज का मैम? यस मैम. मैं पीडीएफ भेज दोगे अभी? हाँ मैं भेज दूंगी. ओके मैम. चलो गाइस बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे. गुड नाइट. बाय मैम. बाय बाय बाय. थैंक यू मैम. बाय मैम. बाय बाय.